दोस्तों आज के समय में लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब बात आती है प्रोसेसर की तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए कौन सा प्रोसेसर है वो बेस्ट रहता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्रोसेसर i3, i5 या i7, आप जो भी प्रोसेसर लेने की सोच रहे हो उसका वास्तव में अर्थ क्या है, मतलब क्या है और इंटेल और AMD में क्या फर्क है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल और AMD में क्या फर्क है प्रोसेसर के अंदर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट देखते होंगे जिसमें i3, i5 या i7 के बारे में बताया गया है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और बीच में वो स्केप न करें। तो आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि हकीकत में i3, i5 और i7 का वास्तविक में क्या अर्थ होता है, इंटेल या AMD ऐसे कौन सा प्रोसेसर है वो बेस्ट होता है। ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसर क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा, प्रोसेसर अपने जो PC या लैपटॉप है उसके मदरबोर्ड से अटैच होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक पिक दिखा रहा हूँ, फोटो आप देख पा रहे हो, उसके अंदर मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा होता है। वहाँ पे जो फैन के नीचे लगा होता है वही क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। और प्रोसेसर का काम क्या होता है, हम लोग जो कमांड देते हैं उस कमांड को प्रोसेसिंग करके हमें वो तुरंत है उसका इनपुट देता है। तो जितना प्रोसेसर हाई होगा अपना जो वर्क काम करने का जो एरिया होता है वो भी उतना ही फास्ट होगा। तो अब बात करते हैं इंटेल या AMD, तो इनमें से बेस्ट प्रोसेसर है वो कौन सा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इंटेल प्रोसेसर है, जब बात प्राइस की आती है तब इंटेल प्रोसेसर है वो काफ़ी महंगे होते हैं, जबकि आपको AMD प्रोसेसर है वो आपको काफ़ी मार्केट के अंदर चीप प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। तो एक इंटेल प्रोसेसर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि एक तो हीट कम करता है, और जैसे हम लोग अपने CPU या लैपटॉप को ऑन करते हैं या चलाते हैं तब उसको एनर्जी की कम ज़रूरत पड़ती है। और जो आपका प्रोसेसर AMD प्रोसेसर है उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और हीट भी ज़्यादा होता है। तो इन दोनों के अंदर आपको फ़र्क है वो पता चल गया होगा। लेकिन जब रेट की बात करें तब और इंटेल है वो काफ़ी महंगा होता है, और महंगे सस्ते का कारण आपके सामने मैंने बता दिया है। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं वो जनरेशन को लेके बहुत ही कन्फ्यूजन रखते हैं। जैसे मान लो i3 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फाइव जनरेशन, तो ऐसी जनरेशन होती है वही सेम की सेम i5 में होती है और i7 के अंदर होती है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि ये जनरेशन होती क्या है। कुछ लोग तो कंपेरिजन कर लेते हैं स्पीड से, तो एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। जनरेशन है वो स्पीड से तुलना नहीं होती है। जनरेशन का मतलब होता है जो आपके प्रोसेसर के अंदर जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा उतनी जनरेशन है वो ऊपर आती रहेगी। और ट्रांजिस्टर जैसे मान लो कि फर्स्ट जनरेशन उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो थोड़ा बड़ा होगा, सेकंड जनरेशन आएगी तो ट्रांजिस्टर है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी ट्रांजिस्टर है उसका साइज है वो छोटा होता जाएगा। अब तो ट्रांजिस्टर का साइज इतना छोटा हो गया है कि हम लोग सामान्य आंखों से देख भी नहीं पाते हैं। तो ये होता है जनरेशन का फर्क। हाँ, जनरेशन का फर्क पावर से जरूर पड़ता है। जैसे फर्स्ट जनरेशन है और एक सेकेंड जनरेशन है, तो फर्स्ट जनरेशन है उसको ज्यादा पावर चाहिए और सेकेंड जो जनरेशन है उसको कम पावर चाहिए, क्योंकि जनरेशन का है वो डिफरेंस है। क्योंकि जो सेकेंड जनरेशन वाला होता है उसके अंदर ट्रांजिस्टर है वो छोटा होता है, और जबकि फर्स्ट जनरेशन का जो आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है तो उसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा ट्रांजिस्टर होगा तो उसको एनर्जी है वो पावर है वो ज़्यादा चाहिए, और जबकि छोटा जो ट्रांजिस्टर है उसको एनर्जी या पावर है वो कम चाहिए। तो हकीकत में आपको जनरेशन का अर्थ है वो ये होता है, न कि आप स्पीड से तुलना करें। तो अब मेरे हिसाब से आपको जनरेशन का जो डाउट था वो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं i3, i5 और i7 जो प्रोसेस होते हैं इनका काम क्या होता है, ये कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं i3, i5 और i7 के अंदर है वो क्या डिफरेंट हो या क्या फर्क होता है। i3 के अंदर ड्यूल कोर यानी दो प्रोसेसर है वो मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लो अपने सिंपल शब्दों में समझें, तो जैसे मान लो कोई भी एक काम है जिसको मैं अकेला कर रहा हूँ, तो उस काम को मैं अकेला करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसी में मेरे साथ एक बंदा और हो तो उस काम को करने में कम समय लगेगा। तो उसके जो i3 है उसके अंदर ड्यूल कोर होते हैं यानी दो प्रोसेसर है वो काम करते हैं। तो जो भी आप कमांड दोगे तो उसको प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट है वो थोड़ा जल्दी देगा। अब बात करते हैं i5 की। i5 के अंदर चार
कोर होते हैं, यानी चार प्रोसेसर होते हैं सीपीयू के अंदर या प्रोसेसर के अंदर। तो अब वही काम चार बंदे कर रहे हैं, सिंपल शब्दों में हम लोग समझे तो उसको काम को जो कोर i3 कर रहा है उससे दुगनी स्पीड से काम है वो करेगा। आप कोई भी काम को प्रोसेसिंग कर रहे हो या कोई ब्राउजर ओपन कर रहे हो, तो जो i3 उस ब्राउजर को ओपन करने में टाइम लेगा उससे दो गुना डबल स्पीड से वो है i5 पे वो कर देगा। अब i7 के अंदर 4 से 8 कोर होते हैं, तो वो क्या करते हैं उससे भी ज़्यादा स्पीड से है वो काम करते हैं। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप है वो खरीदना है, तो खरीदने से पहले आप देख लें कि आप जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना काम कराने के लिए आपके पास काम है या नहीं है। नहीं है तो फिर पैसे वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे आप कोई हैवी काम कर रहे हो, जैसे गेम एडिटिंग है, वीडियो एडिटिंग है, या आप कोई हैवी गेम है वो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में चलाते हो, तब आपके लिए i5 या i7 प्रोसेसर है वो खरीदना चाहिए, बाकी आपके लिए काम का नहीं है। जैसे आप घर में नॉर्मल यूज़ करने के लिए i5 या i7 प्रोसेसर ले तो आते हो, लेकिन उनको काम कराने के लिए आपके पास काम ही नहीं है, तो फालतू में वो पैसे आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो है वो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और फिर भी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई वो तुरंत दूंगा, तो आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार है। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।